भाजपा में चुनाव समिति की बैठक को लेकर चली आ रही अटकलों के बाद 25 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और चुनाव समिति की घोषणा के बाद भाजपा की पहली सूची 26 अक्टूबर को होना लगभग तय है। इस पर अनिल माधव दवे का कहना है कि जल्द ही बैठक के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। कोई सस्पेंस नहीं है, आप जब आग्रह करते तो सस्पेंस ज्यादा बड़ा हो जाता है। रूटीन के अंदर चुनाव समिति को जब आना है तब वो घोषित हो ही जाएगी, उसके पहले करने का कोई औचित्य नहीं है, उसको देर से करने का भी कोई औचित्य। इसके अलावा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमा समर्थक प्रहलाद पटेल का कहना है कि चुनाव समिति को लेकर कोई विरोध नहीं है, ये तो बैठक में तय होगा कि किसको शामिल करना है और किसे नहीं। चुनाव समिति की बैठक के लिए कोई बहुत विवाद होता है ये कहीं नहीं, विधान बड़ा साफ है, पार्टी अध्यक्ष को बैठक बुलानी है, पार्टी अध्यक्ष को उसकी भरपाई करनी है, तो जिस दिन वो बैठक बुला लेंगे उसके पहले पूरी चुनाव समिति बनी रहेगी, बाकी जो फीडबैक आता है उस पर विचार होगा, सेंट्रल को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव समिति की घोषणा को लेकर और नए काम जोड़ने को लेकर पार्टी में विरोध जारी है। इस समिति में उमा भारती को लेने पर भी पार्टी विचार कर रही है। ईएमएस न्यूज के लिए कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट।